हे नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, ये हमारी 2000 क्वेश्चन की जो सीरीज चला रखी है उससे संबंधित है हमारा ये वीडियो। और देखिए, अभी भी दिल्ली का मौसम इतना अच्छा हो रखा है, बहुत तेज़ आंधी चल रही है, पेड़ इतनी तेज़ हिल रहे जैसे गिरेंगे। लेकिन मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है क्योंकि पहुँचाना है 8 बजे तक। उसके बाद मैं खाना बनाने लग जाती हूँ तो फिर बिजी हो जाती हूँ, फिर वीडियो लेट हो जाता है। इसीलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी। पता नहीं कितना टाइम हुआ, शायद 7 बजे होंगे। चलो तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, देवकृत कौन सी रचना सर्वांग निरूपक है। बताना है आपको कि देव की कौन सी रचना है जो सर्वांग निरूपक है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो बताइए कौन सी है, भाव विलास है, रस विलास है, काव्य रसायन है या फिर जाति विलास है। तो क्या है इसका सही उत्तर? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है काव्य रसायन, ठीक है, काव्य रसायन है इसका सही उत्तर। तुक को काव्यांग में स्थान किसने दिया? दोस्तों, आपको बताना है कि तुक को काव्यांग में स्थान किसने दिया है, ठीक है। दोस्तों बताइए किसने दिया है, नागरी दास ने, भिखारी दास ने, कुंभन दास ने या बांकी दास ने। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भिखारी दास, ठीक है दोस्तों, भिखारी दास है इसका बिल्कुल सही उत्तर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि छत्र प्रकाश के रचनाकार है, मतलब कि इनके छत्र प्रकाश का जो रचनाकार है उसका नाम बताना है। तो छत्र प्रकाश के रचनाकार का नाम है लाल कवि, ठीक है दोस्तों, लाल कवि ने लिखी है ये छत्र प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूल्हे कृत कभी कुल कंठाभरण के विषय क्या है। आपको बताना है कि कभी दूल्हे की जो कंठाभरण, इसका जो विषय है वो क्या है, ठीक है, इसके विषय का नाम बताना है क्या विषय है। तो देखिए दोस्तों, अलंकार निरूपण है इसके विषय का नाम, ठीक है, आप इसको याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद गुलाम नबी ने किस नाम से कविताएं लिखी। आपको बताना है कि सैयद गुलाम नबी है, इन्होंने किस नाम से कविताएं लिखी है, ठीक है, उसका नाम बताना है। तो बताइए, रस निधि, रसलाल, लाल कवि या फिर रसलीन। तो दोस्तों, रसलीन के नाम से इन्होंने कविता लिखी है। रसलीन का नाम आप सभी जानते हो लेकिन सैयद गुलाम नबी का नाम नहीं जानते होंगे, तो ये आपको मालूम रखना है कि ये इन्हीं का नाम है, ठीक है। जैतपुर नरेश परीक्षित के सभा रत्न थे। आपको बताना है कि जो जैतपुर नरेश है परीक्षित, उसके सभा रत्न है, उसका नाम क्या है। तो दोस्तों, ठाकुर है। किस कवि का काव्य भावात्मक, वक्र, व्यक्तिक, मार्मिक एवं स्वच्छंद है? कौन से कवि का काव्य है जो भावात्मक, वक्र, व्यक्तिक, मार्मिक और स्वच्छंद है? तो दोस्तों, घनानंद है इसमें बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घनानंद के पदों का सुजान सागर में किसने संपादित करवाया? घनानंद के जो पद है उसको सुजान सागर में किसने संपादित करवाया, उसका नाम आपको बताना है। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने करवाया है इनके पदों को संपादित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्यांग निरूपण में किसे ऊंचे दर्जे का कवि बताया है? आपको बताना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काव्यांग निरूपण में जो सबसे ऊंचे दर्जे का कवि माने गए हैं वो कौन है, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है भिखारी दास, ठीक है, भिखारी दास को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य निरूपण में ऊंचे दर्जे का कवि। काव्य सरोज के रचनाकार कौन है? दोस्तों, आपको बताना है काव्य सरोज के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है श्रीपति, ठीक है, श्रीपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति काल की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? आपको बताना, रीति काल की इन चारों में से प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? तो दोस्तों, जो प्रमुख प्रवृत्ति है रीति काल की वो है रीति निरूपण और श्रृंगारिकता, ठीक है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार कालक्रम की दृष्टि से रीति काल के प्रवर्तन है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार कालक्रम के अनुसार अगर हम देखें तो रीति काल के जो प्रवर्तक है उनका नाम क्या है? तो दोस्तों, इसके अनुसार है कृपाराम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षण ग्रंथों को महत्व प्रदान करने वाले कवियों को डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा है? दोस्तों, आपको बताना है कि लक्षण ग्रंथों को महत्व प्रदान करने वाले कवियों को डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कह के पुकारा है, ठीक है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है रीति चेतस, ठीक है, रीति चेतस के नाम से उन्होंने पुकारा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप पहले काफी बार कर चुके हो, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को किस नाम से अभिहित किया है? आप सभी को बताना है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, इसने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? तो आप सभी जानते हो कि श्रृंगार काल नाम दिया है, ठीक है दोस्तों। कौन सा कवि है जो निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पूछा है असंबंध, ठीक है, असंबंध मतलब कि संबंधित नहीं है। तो इन चारों में से कौन सा कवि है जो निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित नहीं है, ये बताना है दोस्तों आपको यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि केशव बिहारी और चिंतामणि और घनानंद, इन चारों में से जो कौन से कवि है जो इससे संबंधित है, तो मैं आपको बता दूँ कि केशव और बिहारी और घनानंद, ये तीनों निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है, लेकिन चिंतामणि है ये निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है ना यहाँ पे वो है चिंतामणि, ठीक है, ये निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित नहीं है, बाकी के तीन है वो इससे संबंधित है।
देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि केशव कृत जो रामचंद्रिका है उसके संबंध में कौन सा है जो गलत है, ठीक है, असंबंधित है। तो देखिए इसमें 39 प्रकाश है, बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें 39 प्रकाश है। काव्य रूप मुक्तक नहीं है दोस्तों, ये तो महाकाव्यात्मक वो है और ये प्रबंधात्मक शैली में लिखी गई महाकाव्यात्मक कृति है, ठीक है। तो इस ये यहाँ पे गलत हो गया हमारा, संबंधित हो गया। छंदों का अजायब घर है, बिल्कुल सही है, कल ही हमने पढ़ा था इसको। नाटकीय संवाद महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है दोस्तों, तीन ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका गलत है, तो वही हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, भाषा की जटिलता के आधार पर केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है, आपको ये बताना है। आप सभी ये तो जानते हो ना कि कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहते हैं, और कठिन गद्य का प्रेत किसे कहते हैं दोस्तों, मैंने आपको बहुत ज़्यादा बार बता रखा है ये, अगर आपको मालूम है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। नहीं चलो मैं ही बता देती हूँ, कठिन गद्य का प्रेत कहते हैं अज्ञेय जी को, ठीक है दोस्तों, और कठिन काव्य के प्रेत ये है केशवदास जी, तो आप इसको याद रखना, इसमें कन्फ्यूजन मत करना बिल्कुल भी। तो देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है इनको कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को। केशव के संबंध में सही कथन है, आपको बताना है कि केशवदास जी के संबंध में कौन सा कथन है जो यहाँ पर सही है, ठीक है दोस्तों। तो अलंकारवादी है बिल्कुल सही है, आचार्य है बिल्कुल सही है, ब्रजभाषी है ये भी बिल्कुल सही है, तो दोस्तों सभी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केशव की कौन सी रचना प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है, केशवदास जी की कौन सी रचना है जो कि प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है। तो दोस्तों विज्ञान गीता जो इनकी रचना है ना, ये प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, इसको देख लेते हैं जल्दी से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को गागर में सागर भरने वाली बताया है, आज ही पढ़ा है सुबह, तो इसका जो सही उत्तर है वो है बिहारी सत्सई, ठीक है, बिहारी सत्सई है। चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को बाय बाय, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है।